विश्वं दर्पण मैं करके ही प्रपंच को
क्योंकि प्रपंच दृष्टि देह दृष्टि के बिना है ही नहीं, प्रपंच दृष्टि नहीं रहती है देहाभिमानी में, तो वो मैं शरीर में रोमांच है, भक्ति के आनंद से मन भरा हुआ है, जो हो रहे हैं कंठ गदगद है, हम श्री कृष्ण की पूजा करें, वो कौस्तुब मन समझ रही है, देखो मिले हुए वो बात हुई में अपना प्राण फूंक रहे हैं बांसुरी हमारे धर्मशास्त्र वीर विक्रोधक बड़ा पच्चीसों खंडों में निकला हुआ है धर्मशास्त्र का भक्ति प्रकाश में कहते हैं कि हे धर्मात्मा लोगों, तो तुम यज्ञशाला में खा रहे हो, मरोगे और हम प्यारे का नाम लेकर इसी समय परमानंद का अनुभव करेंगे। आनंद परोक्ष नहीं है, मरने के बाद नहीं है, हमारा आनंद नहीं है, पत्रे नात्री कंठेन स्वर्ग जुगल ध्यानामृता स्वादीनाक्ष सततम संपद्य हमारे हाथ जुड़े हुए शरीर में रोमांच कंठ स्वर गदगद हो, अमृत का आस्वादन हो रहा हो, बस हमारा जीवन तो इसी तरह से व्यतीत हो जाए। इसमें वेदांतियों के प्रपंच का आभान है, की परिपुष्टि पैर की आग जले दिल में और उसका नाम हो बैराग। एक होता है दोष दर्शन उद्वेग मूलक बैराग और दूसरा होता है आनंदानुभूति मूलक बैराग। आपको मारा और आप उनको छोड़कर चले गए, दूसरा माँ बाप बना लो, लड़ाई हो गई, अरे घर में बड़ा दुख है, छोड़ते चले गए, फिर महाराज दूसरी रखे मिल जाएगी जंगल में, जंगल पहाड़ों में बहुत चलती हूँ, वहाँ तो साधुओं की जटा काट के दुकान पर काम देते हैं और उनका ब्याह कर देते हैं माँ बाप। इस गृहस्थ ने कितने साधुओं को गृहस्थ बनाया है, इसकी महिमा होती है यही अपने कुल्लू के पहाड़ों में। साधुओं के सामने इसलिए बोलता हूँ कि उनका मन कभी जा रहा करने का तो वहाँ जा सकता है, वहाँ इस बात का गृहस्थ के लिए महत्व है कि उसने कितने साधुओं को गृहस्थ बनाया है यही अपने कुल्लू के पहाड़ों में। साधुओं के सामने इसलिए बोलता हूँ कि उनका मन कभी जा रहा करने का तो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ इस बात का गृहस्थ के लिए महत्व है
बनाया है, अपनी लड़की ब्याह के रख लेते हैं, दुकान करवा देते हैं नारायण। तो जो संसार में दुखी हो करके और जंगल में जाता है, जंगल में भी उसको दुख देने वाला मिल जाता है, बने की प्रभवन की रागिणा। लेकिन जिसको भगवान के अनुभव हो गया अपने हृदय में, मस्त है बाबा, हाथी की तरह झूलता हुआ चलता है, मनमत हुआ हाथी चलता अपनी शान से, फुटवा मनमत हुआ सत्यों बाबा। भगवान के आनंद का अनुभव हुए बिना जब हम दुनिया को छोड़ते हैं तो दिन से आकर शरीर पर सवार हो जाता है। ये वैराग्य की कच्चाई है नारायण। अस्पंद प्रणया सलिला मीलिते क्षण, अस्पंद ईशत चलन को बोलते हैं स्पंद, जरा का ही होता है स्पंद। कैसा प्रेम है प्रहलाद का, अस्पंद प्रणय है, और उसमें ऐसा आनंद आता है कि आंखों से प्रेम के आंसू गिर रहे हो, दुख के आंसू नहीं, चेहरा लाल होता है, परंतु प्रेम से चेहरा लाल होता है, बड़ा भारी। अब बताते हैं कि ऐसी भक्ति प्रहलाद भगवान को भक्ति उत्तम की सेवा मिले। उत्तम श्लोक माने जिसमें रजोगुण और तमोगुण का प्रवेश नहीं है, ऐसे जो महात्मा है जिनका उपश्लोकन जिनके जप का वर्णन करते हैं, डराने के लिए नहीं करते हैं। हमको एक महात्मा ने बताया कि परमात्मा प्रेम करने के लिए होता है, डरने के लिए नहीं होता है। हाँ, जमराज से बने डरो, शैतान से बने डरो, ईश्वर ईश्वर प्रेम का पात्र है, प्रेम का विषय है, ईश्वर भय का पात्र नहीं है, भय का विषय नहीं है। ईश्वर से डरोगा, ईश्वर से प्रेम करोगा। उत्तम श्लोक कहते हैं थी, उत्तमो भी श्लोक कहते हैं थी, उत्तम श्लोकों जिनका जस बड़ा निर्मल है उनकी सदा रविंद की सेवा प्राप्त है। बोले प्रकाशमान पद है संस्कृत में अरविंद, तो उसमें पहले है रविंद्र तो भी है रविंद्र, जो सूर्य को काट देता है, रविंद्र माने अंधकार, और अरविंद माने जो अंधकार में नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है। अरविंद माने कमल, कमल की प्रकाश को लिए हुए रहता है। कमल में बहुत गुण है, कमल में सुंदरता है, कमल में कोमलता है, कमल में रसवत्ता है, कमल में प्रसन्नता है, कमल में असंगता है। आपका हृदय कमल है, आपकी आंखें कमल, कमल माने क्या देखो, आप आपकी आंखों में सुंदरता बरसती है, आपकी आंखों में कठोरता नहीं है, कोमलता है, आपकी आंखें सूखी नहीं है, रसीलापन है उनमें,
आपकी आंखें क्रोध वाली नहीं है, आपकी आंखें प्रेम बरतने वाली है और साथ साथ असंग हजारों को देखा, हजारों आपके सामने आए और गए और आप जहाँ की तहा अपनी जगह छोड़ के किसी के पीछे नहीं गए। लोग ही उसके सामने आते जाते हैं नेत्रों में असंगता का, कमल में असंगता का भी और रसीलापन भी है, कोमलता भी है, सुंदरता भी है, सुगंध भी है, सौरस्य है, सौंदर्य है, सौकुमार्य है, सौश्वर्य है, सारे वो कमल में है लेकिन साथ साथ वो असंग है। वो भगवान की सेवा हमको मिली, नितांत सेवा मिली, भगवान के चरणारविंद को हृदय से लगा देते हैं, कभी अपनी आंखों से लगा देते हैं, कभी अपने सिर पर रख लेते हैं, सेवया। तो भाई भगवान के चरणों की ऐसी सेवा, भगवान को अपने हाथ से खिलाया, एक सज्जन बैठे याद आ गई वो भगवान को खिलाया करते थे, जब भगवान के मुंह में ग्रास डाला उन्होंने अपने हाथ से, एक दिन भगवान ने अपने दांतों से उनकी उंगली दबा दी, बड़े प्रेम से आठ घंटे लगा लो कपूर से तेल भूखा कर लो, उनकी छाती पर बेल बूटा निकालो, उनके चरणों में हजार तुलसी कृष्ण कृष्ण चढ़ाओ, कैसे मन लगेगा। अनदेखी चीज को भगवान में देखो, उनके वक्ष स्थल पर लक्ष्मी है और बाएं दिशा में वक्ष स्थल पर रूपाद चिन्ह है, पर ये भगवान की सेवा नहीं, ये मिलती है ये संग से, निते वया किंचन संयम वया। ये भगवान की भक्ति जिसके बगैर जन्म जन्म ये सुखित होते हैं, हृदय में हृदय होता है पवित्र और भगवान की कृपा जिनके ऊपर बरस पड़ती है, उनको ये विषय सेवा छोड़ करके हम लोग तो सेवा करते हैं, चपरासी की सेवा करते हैं, पंडित जी की सेवा करते हैं, पत्नी की सेवा है, पति की सेवा है, कितनी सेवाएं हमारे जीवन में भरी हुई हैं, यदि 99 सेवाओं में एक भगवान की सेवा भर दो, जने जने के सामने हाथ जोड़ते रीली आते चरौरी गिनती करते सारी जिंदगी गई, एक बार चलो भगवान के चरणों में तो मिल के देखो। जब किसी भक्त का संग प्राप्त, हम जानते हैं जिसके जीवन में भक्त नहीं मिला उसका जीवन बहुत रुक्ष व्यतीत होता है, क्योंकि प्रेम करोगे वो तो तुमको रुलाएगा, तुम मरोगे तो रोते रोते मरोगे और वो मरेगा तो तुम जिंदगी रहोगे, संसार का प्रेमी तो तुमको रुला रुला के मरेगा, और भगवान से प्रेम करो तो वहां जिंदगी का डर है न मरने का डर है न विश्वासघात का डर है, पर ये प्रेम मिलता है जैसे दिया जलाना हो, एक दीपक की ज्योति से दूसरे दीपक में ज्योति आ जाती है, दीपक जल जाता है, ऐसे एक भक्त के हृदय में जो प्रेम है वो दूसरे भक्त के हृदय में आता है, ये तो लव से लव पैदा होती है, एक लव से दूसरे के हृदय में लव पैदा होती है, ये भक्ति की उत्पत्ति का भक्ति शक्ति है, वो व्यक्ति ने ईश्वर को अभिव्यक्ति देते हैं, भक्ति में वो शक्ति है जो एक व्यक्ति के जीवन में ईश्वर को अभिव्यक्त कर देती है, भक्ति में शक्ति है, क्योंकि एक तो है प्रीति की दृष्टि,
एक आगे उसमें भगवान। तो अपनी व्यक्ति हुई प्रीति से और शक्ति भी भगवान, ईश्वर की शक्ति प्रीति से अभिव्यक्त होकर के जीवन में प्रकाशमान हो गई। एक क्षण के लिए भी अपना जीवन भूखा क्यों हो, सूखा क्यों हो, भूखा क्यों हो, ऐसे परम प्रेमास्पद प्रभु हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं, हम उनकी ओर देखते हैं। निर्वृतिमात्मनो दुस्संगति समम विदार, परमानंद में मग्न, निर्वृत्ति निरावरण, जीव और ईश्वर के बीच में कोई पर्दा नहीं। एक बात आपको, ये वेदांती लोग जो है वो आत्मा परमात्मा के बीच में अविद्या के तीन पर्दे मानते हैं, आवरण, विक्षेप और मल। जो चित्त में मलिनता है उसको मल बोलते हैं, और जो चित्त की चंचलता है, वासना युक्त चंचलता, उसको विक्षेप बोलते हैं। वो तो दोनों तरह के होते हैं, वासना युक्त भी करवा सकते हैं, और एक बोलते हैं आवरण। जीव और ईश्वर के बीच में एक पर्दा है, पर भक्त लोग मन और विक्षेप को तो मानते हैं। वासना युक्त विक्षेप मल है, और निर्वासन चांचल्य जो है वो भी विक्षेप है, लेकिन जीव और ईश्वर के बीच में आवरण नहीं है, पर्दा नहीं है। जीव जो न प्रचोदया जस चित्ते तिष्ठन चित्तम जमयति चित्तम यस्य शरीरम ईश्वरे आत्मा अंतर्यामी अमृता। तुम्हें हिलाने वाला, डुलाने वाला, चलाने वाला, तुम्हारी जो बुद्धि को जो भी जगा देने वाला, तुम सो जाते हो वो जानता रहता है, ईश्वर कभी सोता नहीं है, कभी सोता नहीं। निर्वृत्ति निर्वृत्ति निरावरणावस्था, वृत्ति ही वर्ण, निरावरण आनंद है। ये देखो आनंद, ये देखो आनंद, ये देखो, इसका संसार को क्या मिला है। लोग बहुत ढूंढते हैं, कल एक सज्जन के सामने माउंट की चर्चा हुई, माउंट से क्या बनता है। बहुत पढ़े लिखे बुद्धिमान समाज के उत्कृष्ट व्यक्तियों ने उन्होंने पूछा माउंट से क्या होता है। तो माउंट से ये जो हमारी वाणी का अपव्यय व्यर्थ खर्च करते रहते हैं, जब इस पर रोक लगती है तो इसकी शक्ति बढ़ती है, चिंतन की धारा एक हो जाती है। उस समय आपके निरीक्षण होता है कि हमारे मन में दोष है कि दुश्मन है, हमारे मन में भगवान है कि शांति है, हमारे मन में क्या है। यदि आत्मनिरीक्षण न हो, मौन में पर चिंतन होता रहे, तो वो मौन जो है वो आडंबर हो जाता है। या तो मौन में भगवान का चिंतन हो, या तो मन में नवीन नवीन विचारों का, भगवत संबंधी विचारों का उनमें सुख हो, चिंतन की धारा बने, और या तो मौन में शांति रहे। तो मैंने उनको सुनाया कि पहले महात्मा लोग कहते थे कि जब ईश्वर मौन हो जाता है, जीव मौन हो जाता है, तब ईश्वर बोलने लगता है। जहां हमारे मन ने मन ही मन बात करना बंद किया और जागता रहा, ये नहीं कि सो जाए, सुषुप्ति में तो सब मौन हो जाते हैं, स्वप्न में बदलाते हैं। जब जागृत अवस्था में जागते जागते मनुष्य की वाणी जब मौन होती है, तब उसमें ईश्वर की वाणी उत्पन्न होती है, और जब मन मौन होता है तब उसमें परम शांति परमात्मा का प्रकाश होता है। प्रहलाद जी की क्या विशेषता थी, दुष्कंग दीनान्यमन तमं, संसार के लोग दीन हो रहे थे, क्षण क्षण क्षीण, दीन माने संस्कृत भाषा में क्षीण नहीं होता है, तीन क्षय धातु से ये न प्रत्यय के रूप में आया है, वो आगे दी माने होता है क्षय, दीन क्षय, दीना दीना माने क्षीणा,
संसार में जो भगवान से अलग हो करके गंगा जी से अलग हुई नहर घटती जा रही है, यही दीनता है, यही क्षीणता है। अपने मूल मूत्र से अपने उद्गम से हम अलग हो गए, यही दरिद्रता है, घनघोर दरिद्रता अपने जीवन में यहीं से आई कि हम ईश्वर को छोड़ करके और संसार में भटकते हैं। तो संसार के लोग दीन क्यों दीन है, बोले दुस्संग दीन। दुस्संग दीन का अर्थ क्या होता है कि हमें जो संग मिला है, सौगत जो मिले वो विषयी लोगों की, संसारी लोगों का संग मिला, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, उनके पास ऐसा हीरा है तो हमारे घर में भी होना चाहिए, उनकी ऐसी चाली है तो हमको भी मिलना चाहिए, उनके पास इतनी संपत्ति है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। ये जो संसारी लोगों का संग है इससे मन में गरीबी आती है, दरिद्रता, दीनता। और जो परमेश्वर का संग है, जो परमेश्वर का संग है उसके संग से हमारे अंदर स्वयं ईश्वर का संचार होता है। तो प्रहलाद के सामने जो दुष्संग के कारण दीन हो रहे थे लोग और उनका मन बड़ा दुखी था। एक बात आप ध्यान कर, जब आप आनंद नहीं हो तब दुख हो, और जब आप ज्ञान नहीं हो तो बुद्ध, और जब आप सत नहीं हो तो असत हो, मृत्यु। ये तीनों चीज एक साथ होती है, असतो महासंगमय तमसो महांत मृत्यु महामृतंगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो असतो महासंगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु महामृतंगमय, इसका अर्थ ये है कि जो असत है वही तमस है और जो तमस है वही मृत्यु है। यदि आपके जीवन में दुख आया तो समझो अज्ञान लेके आया और मृत्यु लेकर के आया, आप मर गए। जो पहले थे वो नहीं, वो मर गया जिसके जीवन में दुख आया, मूर्खता ज्ञान आया और नारायण मृत्यु आई। तो प्रहलाद जी जिस रास्ते चलते थे, जहाँ बैठते थे, जो उनके शरीर से पाप निकलती थी, उनके शरीर से जो तन्मात्राएं निकलती थी, उनके शरीर का जो मंडल बनता था, पर्यावरण बनता था, उसके अंदर जो आ गया महाराज उसको शांति है। श्री उदय बाबा जी महाराज कहते थे कि हमारे रजिस्टर में जिसका नाम लिख गया उसकी मुक्ति हो। जो हमारी आंख के सामने आ गया वो मुक्त, ऐसे बोलते हैं वो। सदृष्टि गोचरा सर्वे मुच्यंते, सदृष्टि गोचरा सर्वे मुच्यंते, उपनिषद ऐसे बोलते।